Hey you guys, welcome to my channel. कैसे हो आप लोग? So today I'll be creating this look right over here. Pinky सा थोड़ा look है ये. बहुत soft glam look है. Overdue नहीं है products का. मैंने शायद skin care को छोड़ के have used 5 or 6 products and that's it. ये बहुत appropriate makeup है for college going girls as well as जो schools में parties वगैरह तुम करने जा रहे हो उनके लिए. School में मत use करो यार, कुछ भी नहीं use करते थे हम लोग तो. So let's get into the video. So I have washed my face पहले. So right now I'll be using my rose water. So yeah. अब मैं लिप्स के लिए प्लम का लिप बाम यूज़ करूँगी. दिस इज़ कैंडी मिल्स वीगन लिप बाम. बेरी बेरी फीस्ट फ्लेवर में है ये. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैंने कैमरा एंगल चेंज कर दिया है और मेरे बिल्डिंग में ना पास वाले फ्लैट में काम चल रहा है तो थक 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 की आवाज़ आती रहेगी. सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट. नाउ दैट माय रोज वाटर इज ऑल अब्सॉर्ब्ड इनटू माय स्किन, नाउ आई विल बी यूजिंग प्लम्स मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर. बिकॉज टुडे वी विल बी क्रिएटिंग लाइक सॉफ्ट पार्टी लुक, सो इट वोंट बी अ हार्श फाउंडेशन और दोस्त थे, बट मैं कलर करेक्ट तो जरूर करूंगी. सो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग एले गर्ल्स कलर करेक्टर. ये थोड़ा बर्न्ड ऑरेंजी रेडिश सॉर्ट ऑफ है जो मेरे स्किन टोन के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है. यहाँ से ना इसका ब्रश वाला रिसल भी है तो उसके साथ इसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है. सो मैं थोड़ा यहाँ पे लगा लूंगी, नॉट मच बट या थोड़ा सा, और अपने लिप्स के आसपास थोड़ा लगाऊंगी. और थोड़ा नाक के पास. और आई नो आप लोग ये कह सकते हो कि यार यहाँ पे स्पॉट्स हैं सब देखेंगे तो मुझे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. एक सॉफ्ट पार्टी लुक के लिए मुझे इतना ज़्यादा अपने फेस को यू नो नहीं वो करना होता है कि सब कुछ ही लगा लूँ और गई मैं 1-2 घंटे के पास वाले घर में पार्टी के लिए, इतना नहीं करती हूँ मैं. सो आई विल बी यूजिंग माई ओल्ड परफेक्ट गुड अमेजिंग स्पंज. इसको ना मैंने पहले वेट कर लिया है. नाउ दैट मेरा पूरा कलर करेक्टर सेट हो गया अपने स्किन पे, नाउ आई विल बी यूजिंग इनसाइट अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन फाउंडेशन. आई एम इन द शेड सन बेज. नाउ आई हैव रिव्यूड दिस फाउंडेशन. आप मेरे चैनल पे जाके ये चेक कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया. ड्रॉपर वाला कॉन्सेप्ट है इसमें तो बहुत दिक्कत आती है मेरे को ड्रॉपर वाले चीज़ों से. सो मैंने इसको ना वार्म अप कर लिया अपने हाथों पे थोड़ा, और पहले मैं यहाँ लगाऊंगी इसको. और एवरी प्रोडक्ट जो भी आप लगाओ ना, ब्रिंग इट टू योर नेकलाइन. राइट नाउ आई बी यूजिंग माय कंसीलर ब्रश. मैं इसको फाउंडेशन ब्रश के साथ इसीलिए नहीं लगाती हूँ ना, फाउंडेशन ब्रश में इतना ज़्यादा ये मतलब लाइंस की, हार्श लाइंस की दाग आ जाती है इसमें बिकॉज इसका ना फिनिशिंग बहुत शियर है इसीलिए. तो मैं कंसीलर ब्रश के साथ ही इसको प्रेफर करती हूँ करूँ. Thank you.
तो इफ यू सी प्रॉपरली ना, अगर आप देखो तो यहाँ पे लाइन्स हल्की फुल्की थी दिख जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, डैप डैप मोशन में मैं इसके साथ थोड़ा पैटर्न कर लूँगी, इससे जो थोड़ा से लाइन्स है ना वो थोड़ा कवर हो जाता है सही से। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग माय स्विस ब्यूटीज कंसीलर, दिस इज आई गेस शेड मीडियम। मैंने बहुत दिन पहले लिया था तो मुझे याद नहीं है, मैं सिर्फ हाइलाइटिंग के लिए इसको यूज करती हूँ। मेरे लिए बिल्कुल सही है ये। Now I'll be using this Just Herbs का lip and cheek tint. I think ये pale pink, हाँ pale pink में है। I really like this tint. ये मैं blush तो मैंने use करना बंद ही कर दिया है after I got the two shades. एक soft nude है I guess. और मैं इसको हेयर लाइंस के पास ले जाना पसंद करती हूँ, जिससे कि यू नो हार्श लाइन ना लगे। कितना सुंदर लगता है, कितना ज्यादा सुंदर लगता है। एंड देन हियर सेम वे मैं इधर भी अपने उंगलियों से ही करूंगी और इसको हेयर लाइंस के पास ले जाऊंगी। I'll use a Hypercol mascara. This is the best drugstore mascara you can get. मुझे इसका wand बहुत पसंद है by the way. So keep it, drag it. और जो भी बचता है ना उसको मैं lower lash line पे लगा लूंगी like that. Keep it, drag it. अच्छा ओके, वन मोर थिंग आई फील कि Maybelline एक ऐसा ब्रांड है ना जो मस्कारा के साथ आई डोंट नो व्हाट दे डू, वो एक मस्कारा निकालती है वो ब्रांड और उसके बाद अपने पे ही कंपटीशन करने लग जाता है लाइक BTS डज। एक गाना निकालता है उसके बाद ही वो लोग नेक्स्ट सारा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के पीछे लग जाते हैं लाइक दैट। अच्छा मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लेफ्ट आई में मस्कारा लगाने में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे डिफिकल्ट काम है ये और उसके ऊपर से मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट काम है ये मेरे लिए। तो या दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ। और मैं ना अपना वो ही सेम लिप एंड चिक टिंट जो मैंने यूज़ करा था, क्योंकि आज सॉफ्ट लुक है तो मैं आई शैडो पैलेट्स नहीं यूज़ करने वाली, सो आई विल जस्ट यूज़ दिस थिंग। ऐसे कर लूंगी, दैट्स इट, नॉट टू मच, हल्का सा कलर जस्ट दे दिया मैंने, दैट्स इट। और मैं ना थोड़ा ब्लश अपने नाक के टिप पे लगाना पसंद करती हूँ, आई जस्ट लाइक इट, आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक इट। मैं लैक्मे का फॉरएवर मैट लिपस्टिक यूज करूंगी, इट्स इन द शेड पीच पिंक। आई रियली लाइक दिस कलर, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट कलर दे देता है आपके लिप्स को। सो दिस लिपस्टिक इज नॉट ट्रांसफर प्रूफ और वो सब नहीं है, ये खाना वाना खाओगे तो ना ये हट जाएगा अंदर वाले साइड से एंड यू हैव टू लाइक लेयर इट अप अगेन, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। आई रियली लाइक दिस लिपस्टिक, मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ अपने सॉफ्ट लुक्स के लिए। सो यार मतलब मेकअप फिक्सर यूज़ करते हैं बट मैं मोस्टली अपने टोनर्स यूज़ करती हूँ। मेकअप फिक्सर भी है मेरे पास बट मैं टोनर्स प्रेफर करती हूँ, तो मैं इसको ना ऐसे बस दो स्प्रे मैं इसको लूँगी और उसके बाद थोड़ा
ऐसे 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 कर लूंगी, इससे इतना ज्यादा शाइन आता है ना, व्हाट शुड आई टेल यू। और मैं हाँ, ऑन अ डेली बेसिस आई डोंट यूज लाइक हाइलाइटर्स, क्योंकि मुझे ऐसे टोन डाउन लुक बहुत पसंद है, मुझे ओवर कुछ अच्छा नहीं लगता है। सो या दिस इज इट। So that's it for today. I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Have fun.